देखो प्यारे बच्चों, इस वाले केस में क्या है कि सूडो पर बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एक्चुअल सरफेस ऑफ वाटर। तो एक्चुअल सरफेस ऑफ वाटर को इसमें से कौन सा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। देखो एक्चुअल सरफेस ऑफ वाटर क्या होता है, अगर कोई कंटेनर है ठीक है, और अगर एक्सलेट होता है इसमें पानी है, तो एक्सलेट होता हो तो उस पर सूडो फोर्स लगेगा। पहले केस में ही कंटेनर ऐसे है और उसका एक्सलेशन इस साइड जीरो है, तो जब एक्सलेशन जीरो है तो जो लेवल ऑफ वाटर है वो इफेक्ट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस पे सूडो फोर्स जो है, सूडो फोर्स यहाँ पे जीरो है ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल सही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नॉट रिप्रेजेंट हमें निकालना, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। इसमें देखो ये कंटेनर ऊपर जा रहा है कुछ एक्सलेशन से, तो अगर ये कंटेनर ऊपर जा रहा है, ये कंटेनर है और वाटर लेवल ऐसे है और एक ऊपर जा रहा है ये एक्सलेशन से, तो इस पे सूडो जो फोर्स है वो नीचे लगेगा। तो सूडो फोर्स अगर नीचे लगेगा तो वाटर पे बिल्कुल यहाँ से इक्वल प्रेस करेगा ठीक है ना, तो इक्वल प्रेस करेगा, तो ये भी सही रिप्रेजेंट कर रहा, मतलब हमें गलत निकालना है, तो ये भी सही रिप्रेजेंटेशन। सूडो फोर्स पीछे लगेगा, वाटर लेवल, अरे भाई कोई ब्लॉक है, अगर इस ब्लॉक को दबाओगे तो ये तो ऐसे ही तो रहेगा वाटर लेवल। चलो सी ऑप्शन देखो, अगर कंटेनर इधर एक्सलेट हो रहा है, लेवल ऑफ वाटर ऐसे है और इधर एक्सलेशन है, तो सूडो फोर्स इस पे इधर लगेगा पीछे की डायरेक्शन, तो सूडो फोर्स इसको दबा देगा, तो वाटर लेवल कुछ ऐसा हो सकता है ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही रिप्रेजेंटेशन है, अगर ऐसे एक्सलेट करते तो वाटर लेवल ऐसे होगा, तो हमें गलत, मतलब डी ऑप्शन अपना सही है। क्योंकि अगर तुम देखोगे एक्सलेशन ऐसे है तो वाटर लेवल ऐसे नहीं हो सकता यार, ये रिटार्डेशन का लिए होगा, रिटार्ड जा इधर आ रिटार्ड हो रहा, तो अगर सूडो फोर्स इधर लगेगा तब जाके ये ऐसे बनेगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, एक्सलेशन वैसे होगा तो वाटर लेवल ऐसे नहीं होगा। थैंक यू, मतलब यही हमें सही है ठीक है ना, मतलब डी ऑप्शन ही यहाँ पे सही है, नॉट निकालना था। थैंक यू।